दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको बीच की संख्या को निकालने के लिए सिखाता हूँ। यदि दो संख्या दिया हुआ है और रूट में अगर पूछ दिया गया दोस्तों, तो उसे हम किस प्रकार से निकालते हैं, आइए उसको देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर आपको ये है कि यदि हमारे चैनल पर यदि आप अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों साथ में उसे शेयर करिए। दोस्तों आज मैं आपको जैसे कि बीच की संख्या को निकालने के लिए सिखाता हूँ। यदि रूट में दिया गया है, जैसे मान लेते हैं चार और पांच के बीच की संख्या पूछा जाएगा तो कैसे निकलेगा, अगर पांच और पंद्रह के बीच की संख्या पूछेगा तो कैसे निकलेगा दोस्तों। तो ये सभी तो निकालना आसान बात है, लेकिन अगर रूट के अंदर दे दिया गया दोस्तों, ठीक है ना, तो आइए हम इसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए बीच के अप्रमेय संख्या निम्न में कौन है, आपके पास ऑप्शन दिया गया दोस्तों, रूट अंडर 38, दूसरा में है रूट अंडर 63, रूट अंडर 11 और लास्ट में है रूट अंडर 51 दोस्तों। तो यहां पर दिया गया पांच और सात और हमें पूछा गया है, ये ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन इसका आंसर होगा। तो कुछ बेसिक चीजें दोस्तों, पहले उसको हम समझते हैं, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, पहले बेसिक बात को हम समझते हैं। यहां पर जो हमारा प्रश्न किया गया दोस्तों वो अपरिमेय किया गया, ठीक है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अपरिमेय है क्या, अपरिमेय क्या है देखना है दोस्तों। अपरिमेय से अगर पहले हम समझते हैं तो दोस्तों होता है परिमेय, तो परिमेय हम उसे कहते हैं वैसा संख्या जिसको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है और q does not zero उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप ध्यान समझिएगा, परिमेय संख्या के बारे में पहले समझ लीजिए, देखिए ये हमारा होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि जिसको p अपॉन q और q does not zero, ठीक है ना, ये हमारा क्या दोस्तों, परिमेय संख्या। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर जिस संख्या को p अपॉन q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या होता है, बट वो गलत हो जाता है दोस्तों, क्योंकि q does not zero वो बच्चा बता ही नहीं पाते हैं, वो केवल कहते हैं कि p अपॉन q ग्रुप में हो जाएगा सर, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं। अगर आपको हम कह देते हैं कि 7/0 तो क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या मेरा नहीं है। अगर कह दिया जाए 178/0 तो क्या परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है। अगर 0/6 है तो ये हमारा परिमेय संख्या है, क्यों भाई, क्योंकि p अपॉन q तो ऊपर हमारा p हो जाएगा नीचे q हो जाएगा, ठीक है ना, और कह रहा है q does not zero, ठीक है ना। देखिए ये वाला हमारा जो होता दोस्तों वो अंश होता और ये हमारा क्या होता, हर होता, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया भाई, हर हो गया। तो इसमें मेरा कहा जा रहा है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, पर यहां क्या था कि 7/0 यानी कि मेरा जो हर था उसमें 0 दिया हुआ था, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बट ये मेरा क्या परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि परिमेय संख्या का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, वैसा संख्या जिसको p अपॉन q के रूप में, जहां q does not zero उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, तो हम उसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब आइए हम अपरिमेय पर समझते हैं, अपरिमेय संख्या का अगर एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, तो देखिए ऐसा संख्या रहेगा जो रूट में लिखा रहा है, मान लेते हैं 7 है, ठीक है ना, तो ये 7 जो है इसका क्या कोई वर्ग है, नहीं है, तो ये दोस्तों हमारा अपरिमेय कहा जाएगा। पाई जो है दोस्तों, पाई मेरा क्या है, वो पाई जो मेरा है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, पाई क्या है मेरा भाई, अपरिमेय संख्या है। पर अगर जो आपसे पूछ दिया कि पाई का जो मान होता है, देखिएगा ध्यान से, पाई का मान तो पाई का मान अगर पूछा गया है तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या होगा भाई, परिमेय संख्या। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पाई पूछा गया तो पाई आपका अपरिमेय हो जाएगा, देखिएगा पाई आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो हमारा क्या भाई, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि वैसा संख्या जिसका पूर्णता वर्ग नहीं होती है, वैसा संख्या जिसका पूर्णता वर्ग नहीं होती है वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो पाई अगर पूछेगा दोस्तों आपको तो पाई अपरिमेय कहलाएगा, अगर पाई का मान पूछ देगा तो परिमेय, कैसे सर, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि पाई का जो मान होता दोस्तों वो 22/ कितना होता है, 7 होता है, ऊपर हमारा p, नीचे क्या हो गया दोस्तों, q हो गया, तो p अपॉन q और q does not zero, p अपॉन q और q does not zero, इससे हम लोग कहते हैं क्या, परिमेय संख्या। तो देखिए 22/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, अब आइए हम अपने मुद्दे पर बात करते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से। तो उम्मीद करता हूं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं, मेरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। देखिए प्रश्न जो हमारा कह रहा है उस पर हम बात करते हैं कि मेरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 5 और 7, दोस्तों ध्यान समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SSC रेलवे में पूछा जाता है, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा हुआ है और उसे मैंने लिया हूं कि 5 और 7 के बीच के
अपरिमेय संख्या निम्न में कौन होगा, अपरिमेय संख्या निम्न में कौन होगा। तो दोस्तों एक बात यहां ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा 5 लिखा हुआ लिख दिए, यहां पर 7 है, ठीक है ना। तो इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लोग रूट अंडर 25 लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं, क्योंकि रूट अंडर 25 का वर्ग 5 होता है, आप भी जानते हैं। अच्छा, ये 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 49 लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं, क्यों, क्योंकि रूट अंडर जो 49 होता है इसका मान हमेशा कितना होता है, तो 7 होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसको क्या करते हैं कि जो संख्या दिया रहता है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रूट के अंदर में, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट हम किस में कर ले भाई, तो रूट में कर लिए। अब हमको देखना है कि देखिए रूट 25 और रूट 49 के बीच की संख्या पूछा गया। सपोज मैंने आपको ऐसा बता देता हूं कि अगर आपसे कोई कह देता है कि 4, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, 4, ठीक है दोस्तों, 4 और 6 के बीच की संख्या, 4 और 6 के बीच की संख्या, तो बोलेगा सर 4 के बाद क्या होगा, 5 हो सकता है, 5 का क्या होगा, 6 होगा। तो यानी कि 4 और 6 के बीच की जो संख्या निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको कहा देगा 9 और 12 के बीच की संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 9 और 12 के बीच में 9 का क्या 10 हो जाएगा, उसका 11 हो जाएगा, उसका 12 होता है, तो यानी बीच की संख्या जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, 10 और 11, इसका हमारा बीच की संख्या हो जाएगा। यानी 9 और 12 के बीच में 10 और 11 जो होगा वो हमारा बीच की संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर 5 और 7 के बीच की संख्या पूछा गया है, तो कहोगे सर 5 और 7 के बीच में 6 होगा, पर यहां मेरा ऑप्शन तो रूट में दिया गया है, नॉर्मली तो दिया नहीं गया कि हम बता देंगे 5 और 7 के बीच में सर आंसर 6 होगा, पर ऑप्शन में दिया गया दोस्तों रूट में, तो हमको रूट में ही लाना पड़ेगा, कहे से कि मेरा ऑप्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा रूट में, ठीक है। देखिए तो यहां 5 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 25, कहे से कि रूट 25 को हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि इसका वर्ग 5 होता है और 7 का 49 यानी इसका भी 7 आ जाएगा निकल के। अब हम इसको क्या करेंगे कि रूट अंडर 25 और रूट अंडर 49 के जो बीच में संख्या आएगा उसको चेक करेंगे, यानी 25 से बड़ा खोजना इसमें है और 49 से छोटा। तब 25 से बड़ा देखिए क्या हो सकता है, 49 ये 51 तो है, पर क्या इससे बड़ा हो गया, हमने क्या कर रहा हूं कि इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए, तो इससे बड़ा है पर इससे भी ये क्या हो गया बड़ा, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, ये तो इससे छोटा है, ठीक है ना, और इससे भी छोटा है, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं, क्योंकि इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा और इससे क्या होना छोटा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए इससे बड़ा चाहिए तो इससे ही बड़ा है पर इससे छोटा चाहिए, तो लेकिन क्या हो गया कि इससे भी ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम अगला चेक कर लेते हैं रूट अंडर 38, तो इससे बड़ा हो गया है और इससे क्या हो गया छोटा, इसका मतलब ये मेरा ए ऑप्शन क्या हो गया सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा रूट अंडर 38, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, तो ये बीच का मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि 3 और 5 के बीच, 3 और 5 के बीच के अपरिमेय संख्या निम्न में कौन है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि रूट 5, रूट 3, रूट 17 और 27, यहां पर आपका ऑप्शन दिया गया दोस्तों। तो हम उसी ढंग से इसको सॉल्व करेंगे कि पहले 3 को हम इस रूप में ले लाएंगे रूट के अंदर, यानी कि 3 को हम रूट अंडर 9 लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं क्या भैया, तो रूट अंडर 25 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 25 का वर्ग 5 और 9 का वर्ग 3 होता है। अब इसके बीच में खोजिए इससे बड़ा और इससे छोटा, इससे बड़ा और इससे छोटा, तो इससे बड़ा देखिए मेरा क्या हो सकता है, ये सभी ये भी और ये भी बड़ा है पर इससे छोटा चाहिए हमको, ठीक है ना, तो ये तो होगा पहले नंबर नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी बात है क्या इससे छोटा चाहिए, ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही होगा। अगला हम चेक कर लेते हैं, तो इससे बड़ा चाहिए तो बड़ा है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, इससे बड़ा चाहिए तो ये भी नहीं होगा, है ना, तो इसका मतलब हुआ कि रूट 17 जो होगा इसका बीच का मान होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। धन्यवाद।